मैं हूं नेहा बजाज आप मुझे देख रहे हैं ज़ूम पर और दंगे तब होते हैं जब दो खूबसूरत चेहरे होते हैं और डोले शोले होते हैं और ये दोनों चीजें आज हमारे साथ सो हर्ष वर्धन राणे निहान भट्ट वेलकम टू ज़ूम थैंक यू थैंक यू सो मच सो स्वीट थैंक यू सो दंगे तो हो गए वो मैंने देखा सो so, आपकी फिल्म की बात करते हैं कॉलेज uh, में आपने कितने दंगे किए नहीं हाँ, मैंने ना एक्टर बनने के के लिए स्कूल बाद पढ़ाई छोड़ दी थी हाँ। दोबारा से रिज्यूम करी है है अभी 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 लास्ट मैं अच्छा। फर्स्ट में क्या पढ़ रहे हैं आप वो सब अभी आपको सीक्रेट है तो आउट okay. yeah, so, तो किया नहीं था बट <laughs> <laughs> okay, कभी, कभी कुछ तो दंगे होंगे ऐसा कुछ तो हुआ होगा सनम तेरी कसम के लिए हम दोनों ने दंगे which I didn't know, uh, hmm. so, जब मैं डायरेक्टर्स के पास पहुंचा और मैंने उनसे बहुत प्लीड किया तो उन्होंने कहा हम ऑलरेडी कास्ट कर चुके हैं एंड बॉय इज सिटिंग इन द नेक्स्ट ऑफिस एंड देन आई बैग दम कि मेरा ऑडिशन देखो ऑडिशन देखो मैं उनके पीछे पड़ गया hmm. तो उन्होंने देखा और फिर फाइनलीड मी मैंने कहा सर मुझे वॉशरूम जाना है और मैं वॉशरूम गया तो एहान वो सिटिंग स्क्रिप्ट एंड रीडिंग बट ही सच अ ग्रेट गाय एंड जूम के जरिए मैं येहान के पेरेंट्स को और इनके बचपन के दोस्तों को रिलेटिवस को ये मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सिर्फ इसे इतना गुड लुकिंग ही नहीं इसका दिल और दिमाग भी इतना गुड लुकिंग बना दिया है बिकॉज ही मेड मी फील सो कम्फर्टेबल कोई और होता तो ही मेड मी फील वेरी ऑकवर्ड एंड ही इज़ अ बिग गाए नॉट जस्ट विजुअली बट Actors, friends so, यान, of course, है, like, जो चीज़ आपके लिए लिखी होती है तकदीर में वो होती है और जो नहीं लिखी होती है वो आपके साथ नहीं होती है. अगर मेरे साथ वो फिल्म हुई होती तो शायद मेरी जर्नी कुछ डिफरेंट होती वो फिल्म मेरे साथ नहीं हुई इसलिए जिसने मुझे Uh, hurt kia wo kete na, like uh, uh, light is a place, dano uh, mm. the no, kete, void is a place where the light enters you. Mm. So that is when that happened, there was a light in me, there was a passion in me that ignited something in me mm. and that made me pursue this dream like with uh, more passion, more intensity. Mm. So this is why uh, my debut with ARM Ansar happened yeah. and after that. Uh, नाउ यू सी दंगे विद बिजॉय नाम बिया सर बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड ऑन टू दिस मैंने uh, सनम तेरी कसम का फर्स्ट शो देखा hmm. क्योंकि मैंने स्टोरी इतनी बारी पढ़ी थी वो गाने जो फिल्म के थे वो मेरे फ़ोन में थे और मैं हर दिन सुनता था बट जब मैंने फिल्म देखी आई आई कुडेंट हैव डन जस्टिस टू द रोल जो इसने किया हम अभी इतने प्रमोशंस कर रहे हैं पीपल आर क्रेजी फॉर हिम वो इसको हर्ष के नाम से नहीं

तो फिर जब आपने तयश किया तो तभी उन्होंने बोल दिया था कि मुझे बहुत अच्छा लगे आप फिल्म में भी आप ही हो एक बार विजय ना ऑनलाइन लाइव कर रहे थे किसी के साथ मेरे को पता चल गया नोटिफिकेशन आया तो मैं कूद गया लाइव में और मैंने <laughs> अनोनोमसली उस पर लिखा सर विल यू रिपीट हर्षवर्धन रानी तो जो भी मॉडरेटर थे उन्होंने कहा सर एक सवाल आया कि और वो मेरा ही था हाँ. तो उन्होंने पूछा बिजॉय सर को नहीं पता मैंने पूछा वो सवाल तो बिजॉय सर ने उस इंटरव्यू में बोला है हुँ. कि हर्ष इज अ काइंड ऑफ एन एक्टर हु पॉइंट्स द डायरेक्टर एंड

जी विजोय <coughs> सर रहमान सर के बहुत बड़े फैन हैं सो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने मेरी 99 सॉन्ग्स देखी थी hmm. तो जब उन्होंने कॉल किया उनको कुछ पोटेंशियल लगा मुझे उन्होंने मेरी फिल्म देखी थी सो सो ही वाज लाइक आई आई सी पोटेंशियल इन यू लेट्स लेट्स मेक इट वर्क दैट्स हाउ गॉट क्या बात है right, so, also, मैंने hmm. उनको सरम तेरी कसम की स्टोरी बोली थी <laughs> <laughs> उन्होंने बोला इससे अच्छा मौका कोई मिल ही नहीं सकता <laughs> है <laughs> तेरे को पीटना है क्या करना है इसके साथ कर ले कि उस फिल्म में तूने मेरी सनम चुराई थी अब मैं आ रहा हूँ अच्छा, so आपका आप आप तो आप दोनों की, <laughs> तो आप दोनों की की तो 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 जब हुई आपने तो आपने कब बताया हर्ष को को मतलब तो लिए थे मैंने, मैंने सर को बोला था हुँ. कि सर आपने जिनको किया really like like मुझे अभी तक 99 का ट्रेलर अब मैं भी चुपके से इनका वर्क तो फॉलो कर ही रहा था हुँ. क्योंकि मैं गिल्ट और मुझे एक अजीब सी वर्ड मेरे अंदर भी थी कि यार अ ग्रेट नाइस यू नो उनको देखे और मुझे मेरा थोड़ा राइट ब्रेन इंसान हूँ मुझे इंसान को देख के थोड़ा ऐसे समझ आता है उनका तो मुझे लगा वाडा नाइस गाय और जब मैंने ट्रेलर देखा तो इनका एक डायलॉग है नहीं ऐसे नहीं और वो मैंने ऐसे किसी और को डिलीवरी करते हुए नहीं देखा और मैं हमेशा एक्टर्स में ये देखता हूँ कि वो जैसे बोल रहे हैं वैसा किसी और ने बोला या नहीं आई फाइंड दैट सो अट्रैक्टिव इन अ गाय जब कोई अपने तरीके से बोलता है और किसी और एक्टर का इन्वेंट्री से नहीं बोलता है सो आई वॉज़ फॉलोइंग दैट वर्क ऑफ हिज और मैंने बिजॉय सर को बोला कि मैं क्या सर ऐसा मेरा और एहान का थोड़ा बैक स्टोरी है yeah. सर ने कहा तो <laughs> जाके बात करो फिर मैं सेट पे गया बात किया एंड आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मे बी एहान विल गिव सम यू नो सम काइंड ऑफ अ टफ टाइम टू मी एटीट्यूड होगा बट वाट आर नाइस जेंटल सोल यज़

तो ये सारे मिथ्स और जितने भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में उनसे थोड़ा दूर रहिए एंड uh, क्योंकि पैकेज में पैकेजिंग में क्या है आपको एक्जैक्टली exactly मालूम नहीं है तो मैं uh, कोशिश करता हूँ जितना रियल चीज़ें हैं मेरे सामने वही मैं खाऊँ और जो जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है वो मैं बिल्कुल फॉलो ही नहीं करता फिर उससे मैं बच जाता हूँ क्योंकि मोस्टली वो चीज़ें चल रही होती जो एज अ प्रोडक्ट किसी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है तो रियल फूड एक पहली चीज़ रोज़ वेट लिफ्टिंग हफ्ते में दो बार स्प्रिंट की क्लासेस और आ, कभी भी मोस्टली जंक फूड से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ तो आ, थोड़ा सा एक डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है तो आप घी पराठे कुछ नहीं खाते मुझे आठ साल हो गए हैं और मैं क़ छोड़ के बैठा हु तो okay. हाँ तब जाके मैं ये रख पाता हूँ क्योंकि नेचुरली <laughs> अगर आपको एक इस तरह के शेप में रहना है तो थ्रू आउट द ईयर आपको डाइट करना पड़ेगा मेरे मेरे जेनेटिक्स में वो ब्लेसिंग ही नहीं है कि मैं ऐसे कुछ खा लूँ उल्टा सीधा और दो हफ्ते में निकाल लूँ या दो दिन में मेरा वो होता है नहीं मुझे आठ दस महीने लग जाते हैं निकालने में तो दो तीन बार ये गलती मैंने करी थी हसीन दिलरुबा के टाइम पे मैं खूब खा रहा था और अचानक से फिल्म आ गई उन्होंने कहा एक आपका बॉडी शॉर्टेज में आप ऐसे हवा भर रहे हो और ऊपर लड़की को देखना मैंने देखा है मैंने कहा मैं सर यहाँ तो हाँ, हाँ मैंने कहा सर वो मेरा तो पेट हिल रहा है मैं ऐसे कर रहा कहते हैं यही चाहिए हमको रिवर राफ़्टर का कैरेक्टर है हमें रफ बनना चाहिए सिक्स पैक वगैरह नहीं चाहिए तो मुझे बहुत बुरा लगा ऑनेस्टली बट मैंने उस दिन डिसाइड किया जब मैंने ऐसे पम्प कर रहा हूँ तो मेरा पेट है ना जिगल हो रहा था ऐसे ऐसे करें तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूरे साल मैं डाइट करूँगा पूरे साल फिट रहूँगा ताकि कोई भी डायरेक्टर अगर मेरे पास आए हो बोले कि आपके लिए ये शॉट है मैं सारे स्किल्स भी सीख के रखूंगा आ, मार्शल आर्ट के कोई भी फॉर्म हो उसके बेसिक सीख के रखूंगा ऐसा ना मुझे बोलना पड़े कि सर दो तीन महीने चाहिए मुझे ट्रेनिंग के लिए ओके okay, ये तो काफ़ी अच्छी तैयारी है अच्छा आप बताइए आप वर्कआउट करते हैं तो किन चीजों से परहेज रखते हैं ऑलवेज हर्ड दिस वर्ड कि ये कर लो उससे कट्स आ जाते हैं या शूट होता है वी वी लीव क्विट सॉल्ट हाउ ट्रू इज दैट आई I मीन mean, आप ये, रहे हो। ये समोसे से आया <laughs> ये छोले भटूरे खा के आया है ये तो झूठ सी मैं आपको सच मैं मैं कुछ भी खा लेता हूँ आप मेरे को अभी पराठे देंगे चाय देंगे आप मैं सुबह से छः सात कप चाय के पिए मैं रात को वो हूँ मैं जो रात को फिल्म देख रहा होता तो हूँ तीन बजे रात को मैं बर्गर ऑर्डर करता हूँ सैंडविच ऑर्डर करता हूँ सो मेरे लिए ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे को आप जो दोगे मैं खा लेता हूँ बट हाँ मैं वर्कआउट मेरा हर दिन रहता है हर दिन रहता है All right, so सर, 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 मैं ये बोलना चाहूंगा ऑडियंस को कि ऐसा एग्जाम्पल फॉलो ना करे ना <laughs> क्योंकि अच्छा हाँ, क्यों ये देखिए कश्मीरी है, है। हाँ। और इनके जेनेटिक्स अलग हैं है हाँ। और ये आर्यन रेस के साक्षात अवतार हैं ठीक है, हाँ। है? आपकी अभी है। एक यहाँ पे रानी सर से मैं मिला वो मैं हम लोग के जो जेनेटिक्स है ना हम लोग ये सब खाएंगे तो दिख जाएगा अच्छा तो हम लोग का अलग है अब इटालियन लोग तो पिज़्ज़ा खाते हैं हाँ। पर रहते, प्लीज ये सब फॉलो करें। करें। अच्छा। ये इम्पोर्टेड है प्लीज डोंट डू दिसम तो मुझे अब माय लास्ट क्वेश्चन हर्षवर्धन बहुत सारे लोग हैं जो कुछ कुछ मिस्टेक्स करते हैं जब आप भी जिम करते होंगे आप ऑब्जर्व करते होंगे बट बहुत बार आप नहीं कह पाते तो उन अगर चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताएं सो सो यू यू राइट राइट नाउ नाउ वुमेन एक ही बात कहूँगा यू विल हेट मी फॉर दिस मिस्टेक तो नहीं बट ये जो पाँच छः बार आप लोग खा रहे हो इतनी जरूरत है नहीं बॉडी को आप लोग बॉडी के लिए नहीं खा रहे हो आप जबान के लिए खा रहे हो तो uh, कभी भी अगली बार खाना खाने की तरफ हाथ बढ़े तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि मैं पेट के लिए खा रहा हूँ या जबान के लिए खा रहा हूँ अगर उसका जवाब जबान है तो मत खाओ फ्रिज बंद कर दो आ, अगर आप पेट के लिए खा रहे हो मतलब ज़िंदा रहने के लिए खा रहे हो तो सही है तो ये एक मिस्टेक है जिसकी वजह से मैं कितने लोगों को देखता हूँ जिम जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं क्योंकि जाते हैं

दैट वॉज रियली नाइस इंटरक्टिंग विद बोथ ऑफ यू एंड आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं इंक्लूडिंग मी ऑल्सो हम जरूर देखेंगे दंगे जब इतने गुड लुकिंग लोग हैं वहाँ पर सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी थैंक यू सो मच थैंक यू